अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोफ्ते, जिसके लिए मैंने मटन का जो कीमा है उसको उबाल के उसका पानी निकाल के ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। पहले मैंने डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें डाली हल्दी। हल्दी के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने डाला कुटा हुआ धनिया। हुआ धनिया डालने के बाद मैंने इसमें शामिल की कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद मैंने इसमें कोफ्ता मसाला डाला। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि नमक मैंने इसमें बॉयल करते टाइम शामिल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली और हरा धनिया इसमें डाला, और इसको मैंने ग्राइंड करने के लिए रख लिया। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने अपने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। इसमें अब हम एक अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद इसको दोबारा हम थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिलाएंगे। ये हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसमें से कोफ्ते बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कोफ्ते इसमें से बना लिए हैं। ये देखें, ये मैंने इसमें से कोफ्ते बना लिए, और उसके साथ ही मैंने इसमें से दो तीन जो है वो शामी की टिकिया भी बना लिए हैं। शामी कबाब इसमें से हम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बर्तन में ऑयल लेके उसको हम आग पे थोड़ी देर तक गर्म करेंगे। जब ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम जो हमने कोफ्ते तैयार किए थे उसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारे कोफ्ते हैं, ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल देंगे। इनको हम फुल फ्राई नहीं करेंगे, हाफ फ्राई करेंगे। बाकी हम इनको ग्रेवी के अंदर पकाएंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये आलू को ऑयल में डाला। उसके बाद उस आलू में मैंने नमक शामिल की, ठीक है। आलू में हम नमक शामिल करेंगे। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। ये नमक शामिल करने के बाद हम आलू को थोड़ी देर तक पकाएंगे, जैसे कि आलू हल्का सा गले और उसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आलू को थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें बाकी दूसरी चीजें जो हैं वो बाद में शामिल करेंगे। ये अब आलू थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची जो है वो शामिल करेंगे। टमाटर और हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर रख लेंगे, जैसे कि टमाटर जो है अपना पानी जो है वो निकाल ले। ये देखें फ्रेंड्स, ये टमाटर का पानी जो है वो निकल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से आलू को और टमाटर को पकाएंगे, जिससे हमारा आलू भी गल जाए और ये जो टमाटर है वो भी गल जाए। आलू और टमाटर के गलने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा कुटा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी के बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा कोफ्ता मसाला जो है उसका पाउडर, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और फिर हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, जैसे ये स्पाइसेस जो हैं वो पक जाएं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें कोफ्ते जो हमने तैयार किए थे वो हम इसमें डाल के इसको कोफ्तों को इनमें थोड़ी देर मजीद पकाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारी जो सब चीज़ें हैं अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर तक पानी में कोफ्तों को पकने देंगे, जैसे वो सॉफ्ट हो जाएं। फ्रेंड्स, ये हमारे कोफ्ते जो हैं, ये देखें, ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे, ठीक है। ये हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया। धनिया शामिल करने के बाद इसको हम ढक देंगे, और इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही तेज आंच पे, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी देर तेज आंच पे पकने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो फ्लेम है वो हम ऑफ कर देंगे, ठीक
उसके बाद 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतारेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें इनकी शक्ल भी ज़बरदस्त हो चुकी है और इनकी आप देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं घर में लजीज कोफ्ते। और ये देखें बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं और ये देखें अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसे बनी। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट मस्ट है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।